सो कैपेसिटर्स फॉर्मूला शीट. ओके, नाउ कैपेसिटर, लेट्स स्टार्ट विथ सम यूनिट्स. इसका होता है कैपेसिटेंस. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, जिसका यूनिट होता है फेराड. मोस्टली माइक्रो फेराड में देते हैं क्वेश्चन में. कूलम वोल्ट, क्योंकि चार्ज अपॉन ये रहता है, वोल्ट रहता है. देखते हैं, हमें पता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी. इसीलिए ही वो आ गया चार्ज, कूलम, चार्ज अपॉन वोल्ट, मतलब कूलम अपॉन वोल्ट आ गया इसका यूनिट, तो क्यू बाई वी. और एक टर्म है डिफाइन करने का कैपेसिटर को, विच इज क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू. ये आप थोड़ा देर में समझोगे जब हम लोग वक्त पढ़ेंगे. ओके, नाउ वॉट इज सी? सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट, या तो पॉजिटिव प्लेट, ईदर प्लेट या पॉजिटिव प्लेट, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. इट इज नॉट यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. ये होता है कैपेसिटेंस जनरली, ये फॉर्मूला है उसका. नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होता है यू इज इक्वल टू, जिसको यू से डिनोट, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो गया. यू होता है हाफ क्यू वी, और एक होता है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी. ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड. नाउ एनर्जी, इतना एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा? सी वी स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू वी, एंड वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय सी. तो यहीं से अगर सी को इधर ले लो और डब्ल्यू को इधर लेके आ जाओ, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, तो दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी. तो यू कैन सी दैट बैटरी ने जितना काम किया उसका आधा एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, तो आधा कहाँ चला गया? हीट लॉस. हीट लॉस कितना हो गया? एच एल, जिसके लिख सकते हैं हम लोग, एच एल इज हाफ सी वी स्क्वायर. आधा एनर्जी स्टोर्ड हुआ सी वी से, हाफ सी वी स्टोर्ड हुआ, हाफ सी वी डिस्ट्रॉय, मतलब ये हो गया हीट लॉस में, ये हो गया हीट लॉस को हम लोग लिख सकते हैं हाफ क्यू वी. अगेन हम लोग हीट लॉस को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई टू सी. सेम कैपेसिटेंस जैसा ये फॉर्मूला है, पूछ लेते कभी कभी हीट लॉस. ओके, नाउ नाउ फॉर एन स्फेरिकल कंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कंडक्टर. स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या आएगा? ओके, कैपेसिटेंस इसका होता है 4 पाई एप्साइलन आर, ये हमें याद रखना रहेगा. एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस आर है, उसका आएगा 4 पाई एप्साइलन आर. अगर वो किसी मीडियम में रखा है तो उसका कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्साइलन आर. और ये कल हम लोग ने, कल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने पढ़ा था कि ई आर इज इक्वल टू ई मीडियम बाई एप्साइलन. तो ई मीडियम हो जाता है ई आर इंटू ई नॉट, सॉरी ई आर इंटू ई नॉट, ई मीडियम को इधर डाल दो, तो ई ई नॉट ई आर 4 पाई आर, अगर मीडियम में है तो. ओके, नाउ ये तो सिंगल एक सर सिंगल एक कंडक्टर का हो गया. अभी डबल कंडक्टर्स का देखते हैं, दो केसेस बनते हैं इसमें, एक अंदर वाला बाहर वाला. ओके, ऐसे कुछ जिसमें दो केसेस होते हैं, एक कभी बाहर वाला अर्थ कर दिया, एक अंदर वाला अर्थ कर दिया. नाउ अगर इफ आउटर स्फीयर इज अर्थ, जो कि ये है आउटर स्फीयर अर्थ, और ये इनर स्फीयर अर्थ,
इन लोगों का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r r1 r2, दिस इज r1, दिस इज r2, अगेन दिस इज r1, दिस इज r2, r1 r2, बड़ा वाला कौन सा, r2 माइनस r1, मतलब आउटर माइनस इनर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ होगा। तो दिस इज द कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन r1 r2 बाई r2 माइनस r1, सेम इधर भी 4 पाई एप्सिलॉन, नीचे r2 माइनस r1 ही आएगा, बट यहाँ पे नीचे क्योंकि इनर स्पेयर अर्थ है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि r2 का स्क्वायर। ओके, सेम फॉर्मूला देखो, सिमिलरिटी क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन r2 बाई r1, 4 पाई एप्सिलॉन r2 बाई r1, खाली इधर r1 r2, इधर r2 का स्क्वायर है। ठीक, अगर इसको भी मीडियम में रखा है तो एप्सिलॉन की जगह εr εo आ जाएगा। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होता है, C इज इक्वल टू εo a/d। ओके, C इज इक्वल टू εo a/d, अगर मीडियम में है कोई तो C इज इक्वल टू εr εo a/d, ये हो गया फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इक्वल टू E मीडियम बाय E नॉट, ये हमें पता है, विच इज इक्वल टू C मीडियम, मतलब कैपेसिटेंस इन अ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ये भी एक हो सकता है। नाउ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, फोर्स बिटवीन द चार्ज प्लेट्स भी हो सकता है, प्लेट्स चार्ज प्लेट्स भी होगा। तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं हाफ इज इक्वल टू εa e² ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें और एक फॉर्मूला मिलेगा, हाफ हाफ वेट हाफ हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्साइलन ए। अभी ये वैल्यू आया कैसे देखते हैं। देखो हमें पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, इसको और एक फॉर्मूला भी है, देखता अच्छे से लिखते थोड़ा सा, एफ इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय टू, सॉरी टू तो लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्साइलन, क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्साइलन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर पढ़ा है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ हमें इधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करना है, तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर वेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर नहीं होता, के क्यू होता है, ये तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसे क्यू और क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा टू के क्यू स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। नाउ इसे हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमें आएगा ऐसा कुछ। ओके, और एक बात हमें पता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं,
इधर हमें सिग्मा डालना है, तो ए और ए से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए बाई ए से, तो हमें आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए बाय 2 a² एप्साइलन। तो क्यू स्क्वायर ए दिख रहा है हमें, तो उसके जगह पे हम लोग सिग्मा डाल देंगे, तो फोर्स हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्साइलन, सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्साइलन। तो ये और एक फॉर्मूला आ गया फोर्स ऑन द कैपेसिटर का। ओके, फोर्स ऑन कैपेसिटर का ये और एक फॉर्मूला आ गया सिग्मा स्क्वायर। नाइस। नाउ अभी फोर्स हो गया इधर, फोर्स के बाद आता है ये प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। तो इस फोर्स में इधर ये एरिया है, इसको नीचे से लेके चले जाओ तो हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर। इधर भी सेम करो, सब जगह ऐसे ही करना है हमें। इधर हम हमारा प्रेशर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्साइलन। और इधर करेंगे तो भी यही आ जाएगा, इधर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका प्रेशर के टर्म्स में मत निकालो क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ज़्यादा। ये दो फार्मूला याद रख लो प्रेशर के लिए। नाइस। नाउ लेट सी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ व्हाट इफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या होता है? अगर पार्शियली फिल्ड है, फर्स्ट केस पार्शियली फिल्ड, फर्स्ट इज पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फील्ड के लिए क्या होगा ना, ये समझो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें हम लोग ने इस थिकनेस का कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। नाउ डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो उसका कैपेसिटेंस हमें नॉर्मल कैपेसिटेंस पता है सी एप्साइलन ए बाई डी, बट ये ना हो कि उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इज इक्वल टू एप्साइलन ए टी माइनस जो थिकनेस है, ये डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट माइनस जो थिकनेस है वो माइनस करो प्लस टी बाई के ऐड करो। दिस इज द मेयर ट्रिक। एप्साइलन ए सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, थिक डी में से थिकनेस माइनस करो, थिकनेस गया प्लस टी बाई के आ गया, बस ये याद रखना है। दिस इज फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर्स। अगर हम लोग ने पूरा फिल कर दिया, फुल्ली फिल्ड, मतलब ये डी डी डिस्टेंस का कैपेसिटर है और उसमें डी थिकनेस का ही आ गया, तो एप्साइलन ए डी माइनस डी प्लस वेट डी माइनस डी प्लस डी वाई के, बराबर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या अपना के एप्साइलन ए बाई डी, ये हो गया कैपेसिटेंस। तो डायरेक्टली आप जितना भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जितना भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पहले समझो इनिशियल कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफेराड, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने 20 का, तो फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा 200 माइक्रोफेराड, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे अगर फुल्ली फिल्ड है तो, नहीं तो फिर ये करना पड़ेगा इधर से, ये डिराइव हुआ है फुल्ली फिल्ड वाला। ओके, नाउ लेट्स सी सम अदर फॉर्मूलास। ओके, अभी आता है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, अगेन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस में डायरेक्टली ऐड होता था, इधर पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर था यहाँ पे। ओके,
यहाँ पे सीरीज पैरेलल में डायरेक्टली सी नेट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे सी नेट हो जाएगा सी वन, सॉरी सॉरी, ये जैसा रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए था सी नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सेम फॉर रेस्ट। ओके नाउ ओवर हियर सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज एड चार्ज सेम होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वन वी वन सी टू वी टू सी थ्री वी थ्री और वी प्लस वी टू इज इक्वल टू वी, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सीरीज इज वोल्टेज डिवाइडेड चार्ज सेम। नाउ ओवर हियर क्यू क्यू ऐड हो जाता है, क्यू वन प्लस क्यू टू में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम क्यू एडेड कैपेसिटेंस इतना है। नाउ अगर ऐसे एन कैपेसिटर्स थे हम लोग सी नेट लिख सकते हैं सी बाई एन, और इधर एन कैपेसिटेंस है तो सी नेट लिख सकते हैं एन सी। नाइस, यहाँ पे पैरेलल में अगेन चार्ज डिवाइड हो जा रहा है, चार्ज डिवाइडेड वोल्टेज सेम। ये हो गया अपना कैपेसिटेंस सीरीज, और ये अभी कॉम्बिनेशंस ऑफ, एक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स, अगर चार्ज ड्रॉप का कंबाइन कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, इसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर क्यू तो सेम रहेगा समझो, छोटे छोटे एन छोटे छोटे चार्जेस थे इस पे क्यू क्यू क्यू, इनको कंबाइन करके एक बड़ा चार्ज कैपिटल क्यू बना दिया, तो इनके कैपेसिटेंस कितने थे, इनके कैपेसिटेंस कितने थे वो निकालना है। तो इस केस में ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 5, इस केस में एन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, वैसे तो क्यू वुड बी एन क्यू क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। फिर बाकी सब आपको याद रखना पड़ेगा, बट इसके हिसाब डिराइव कर सकते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आर, जैसे कि इसको डिराइव कर सकते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन से, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन 1/3 कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप स्मॉल, फिर सिग्मा ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन 1/3 सिग्मा ऑफ स्मॉल ड्रॉप, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 एन रेस टू 1/3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉप। सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला लगाया जाता है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, वोल्टेज ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 1/2/3, नॉट 1/3, ये हो जाता है 2/3, 2/3 ऑफ वोल्टेज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक, बाकी सब 1/3 होगा, ये एन होगा, बाकी एन रेस टू 1/3 एन रेस टू 1/3 एन रेस टू 1/3 एन रेस टू 1/3, खाली वोल्टेज ही ऐसा है जो 2/3 हो जाएगा इसका, इसका वोल्ट अगर वी है तो इसका वोल्ट वी बी वी स्मॉल वी, और उसका रिलेशन क्या है, वी बी इज इक्वल टू एन रेस टू 2/3 ऑफ वी। नाउ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी वी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्साइलन, जो हम लोग ने ऊपर निकाला था वही है। ओके नाउ ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये है सी इज इक्वल टू एप्साइलन ए बाई डी, इसमें आप और एक चीज ऐड कर सकते हो कि ये वेर एरिया इज इक्वल टू ओवरलैपिंग एरिया, जैसे कि ओवरलैपिंग एरिया नीचे समझाता हूँ मैं, देखो ये एक कैपेसिटर है, अभी इधर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ओरिजिनेट होगा ऐसा, ठीक, ये हो गया इसका, अगर समझो ऐसा कुछ दिया अरेंजमेंट,
इसका एरिया ये था, ए था, तो हम लोग लिखेंगे सी एप्साइलन ए बाई डी। अगर ऐसा दे दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ना ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जिधर से ओरिजिनेट करेगा उधर टर्मिनेट इतने ही रीजन में होगा बस। तो ओनली दिस मच पार्ट इज अ कैपेसिटर, तो ये सब कुछ नहीं होगा। ये सारे चार्ज कट खत्म हो के, सारे से खत्म नहीं, सारे चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इतने ही रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। तो समझो ये इतना ए का था, ये ए था, बट द ओवरलैपिंग रीजन ओवर हियर इज, ओवरलैपिंग रीजन ओवर हियर इज दिस मच, विच इज ए बाई टू। तो हम लोग एप्साइलन क्या लिख, कैपेसिटेंस लिखेंगे एप्साइलन ए की जगह ए बाई टू ओवरलैपिंग एरिया अपॉन डी। ओवरलैपिंग एरिया का मतलब ये है, ठीक। नाउ एनर्जी डेंसिटी के बाद आते हैं प्लेट सेपरेशन, एरिया सेपरेशन एंड डिस्टेंस सेपरेशन। ओके, अगर आपने कॉम्पोजिट ये डाल दिया है डाइलेक्ट्रिक्स, प्लेट सेपरेशन डिवीजन, समझो ये कैपेसिटर है। ओके, आपने क्या किया, ये एक कैपेसिटर है, आपने क्या किया, इसे पैरेलली अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स में बांट दिया ऐसे। ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर नहीं, ये इंडक्टर्स हो, डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, ये के वन, इसका के टू, इसका के थ्री। तो ये जो डिस्टेंस था वो डिवाइड हो गया तीन चीज़ों में, अगर सेम है तो डी बाई थ्री, डी बाई थ्री, डी बाई थ्री आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है हमें, नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इज इक्वल टू एप्साइलन ए सेम, जैसा मैंने बोला था, डी माइनस डी, एक एक के लिए लिखो अच्छे से ध्यान से, सी इज इक्वल टू एप्साइलन ए डी माइनस, ये क्या है, डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री के वन, ठीक, डी बाई थ्री के वन, फिर से ये एक का हो गया वापस, डी बाई थ्री माइनस प्लस डी बाई थ्री के टू माइनस डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री के थ्री, क्योंकि सबका डिस्टेंस डी बाई थ्री सेम, तो मैंने बोला था ना डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो उसे थिकनेस माइनस करो तो थिकनेस अपन के डाल दो। अब यहाँ पे देखोगे डी डी बाई थ्री माइनस डी बाई थ्री माइनस डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री वन बाई के वन वन बाई के टू वन बाई के थ्री। मैं अभी ये नहीं लिख रहा हूँ पर न्यूमरेटर है, पर डिनोमेटर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ डी बाई थ्री डी बाई थ्री डी बाई थ्री क्या हो जाएगा, डी बाई थ्री डी बाई थ्री डी बाई थ्री, थ्री डी बाई थ्री मतलब डी, ये और ये कैंसिल फुल, तो नीचे क्या बचा, तो फाइनली हमारे पास आ गया सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू एप्साइलन ए डी बाई थ्री वन बाय के वन वन बाय के टू वन बाय के थ्री ऐसा। और मल्टीपल आप निकाल सकते हो ऐसे करके, ये हो गया द फाइनल कैपेसिटेंस फॉर द गिवन स्ट्रक्चर हो गया। नाउ ऐसे ही अगर एरियल सेपरेशन आ गया, इन सबका एरिया सेम है, इन सबका एरिया सेम है, एरिया ए। नाउ फॉर प्लेट एरियल सेपरेशन, ये कुछ कैपेसिटेंस है, अभी आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस डी ही है, डिस्टेंस डी ही है सबके बीच में, पर अभी कैपेसिटर्स ऐसे अरेंज, डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे अरेंज कर दिए, इसका आ गया के वन, ये हो गया के टू,
ये हो गया के थ्री, विच इज ए बाई थ्री ए बाई थ्री ए बाई थ्री, ठीक। अभी इसमें क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस वो ढूंढते हैं। कैपेसिटेंस होता है एप्साइलन ए बाई डी, एप्साइलन का ये हो जाएगा कैपेसिटर एप्साइलन डी, तो सेम है पहले वाले के लिए, लिखो ए बाई थ्री, वेट वेट वेट, सी हो जाएगा के वन, देखो हम लोग इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये तीन कैपेसिटर्स का बना है ऐसे पैरेलली, तीन कैपेसिटर्स पैरेलल, और इसके इसके हम इस केस में हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि तीन कैपेसिटर्स सीरीज। ओके, तो हम लोग सी वन निकाल देंगे पहले, इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं ये मेथड से भी। सी वन क्या हो जाएगा, के वन एप्साइलन ए बाई थ्री डी, सी टू भी यही आएगा, सी टू यही आएगा बट के टू, सी टू हो जाएगा के टू एप्साइलन ए बाई थ्री डी, सी थ्री हो जाएगा के टू एप्साइलन ए बाई थ्री डी, के थ्री। अभी सिंस कैपेसिटर्स पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो नेट हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इज इक्वल टू, अपना क्या हो जाएगा, सब सेम है एप्साइलन ए बाई थ्री डी सेम है, तो डायरेक्टली के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, यो सी नेट। इस केस में ऐसा आया नेट, इस केस में ऐसा नहीं आया, ठीक है। आपको ऐसा कॉम्पोजिट भी दे सकते हैं उन लोग, जैसे कि कैपेसिटर का प्लेट्स है, एक ऐसा है एक ऐसा है एक ऐसा है, उसमें से ये डिवाइडेड है ये डिवाइडेड है, इनके बीच में कैपेसिटर निकालो, ये के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, ये एक ऐसा है और वापस दोनों सीरीज में है, और ये तीनों कॉम्बिनेशन पैरेलल्स में है, ठीक। ऐसा कुछ इसका हो जाएगा, तो सबका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालो, सीरीज में पहले इन दोनों का ऐड करो फिर तीनों में पैरेलल में ऐड करो, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। नाउ शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ऑलवेज रिमेंबर क्यू फाइनल इज इक्वल टू क्यू इनिशियल, क्योंकि चार्ज इज नेवर डिस्ट्रॉयड, चार्ज नेवर डिस्ट्रॉयड, क्यू फाइनल क्यू इनिशियल। नाउ वी कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है सी वन सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, अच्छे से लिखते हैं, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। नाउ फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू वन बाई क्यू टू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द रेशियो ऑफ रेडियस। नाउ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग री डिस्ट्रीब्यूशन इज हाफ सी टू सी वन, सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये लॉस्ट हो गया है एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन हाफ सी वन सी टू, सी वन सी टू सी वन माइन सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी स्क्वायर, बस यही है। अभी एक आरसी सर्किट आता है इसमें, इसका करंट डिस्चार्जिंग आपको देखना पड़ेगा, डिस्चार्जिंग आपको देखना पड़ेगा, ये आप एसी करंट में भी पढ़ते हो सी और आर, उसमें अच्छे से दिया है। और तो इस चार्जिंग के केस में थोड़े फॉर्मूलेस आप देख लो, वी इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आर हो जाता है, वोल्टेज दोनों के क्रॉस डिवाइड होता है। ओके, नाउ क्यू इज इक्वल टू सी वी वन माइनस एप्स वन माइनस ई टी बाई आर सी। ओके, टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं आर सी को, वी हो जाएगा वी नॉट वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, ये
क्यू नॉट लिख सकते हैं इधर सी वी की जगह पे। ओके ये हो गए कुछ चार्जिंग के फॉर्मूलेस। डिस्चार्जिंग के फॉर्मूलेस क्या हो जाएंगे, वी सी प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो फॉर डिस्चार्जिंग, वी हो जाता है वी नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, टाइम कॉन्स्टेंट इज आर इन टू सी। हियर एट क्यू इधर एट टी टी इक्वल टू आर सी टाइम पे क्यू हो जाता है 63% ऑफ क्यू, मतलब एट टाइम इक्वल टू आर सी जब होगा, टाइम जब भी आर सी के इक्वेलेंट होगा तभी कैपेसिटर इज कैपेसिटर में चार्ज कितना है 63% ऑफ क्यू मैक्स, और इधर टाइम जब भी आर सी के बराबर होगा तभी कैपेसिटर्स में चार्ज कितना बचता है 37% ऑफ क्यू मैक्स बचता है रिमेनिंग। दिस इज क्यू रिमेनिंग, क्यू रिमेनिंग इज 37% ऑफ क्यू मैक्स, एंड दिस इज कैपेसिटर्स ऑन क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा 63% ऑफ क्यू मैक्स। ओके दिस इज द फॉर्मूला शीट ऑफ द कैपेसिटर्स ओवर हियर।